हेलो गाइस, आज मैं आपको माइनक्राफ्ट का यूजफुल फैक्ट बताने वाला हूँ। और फैक्ट ये है कि अगर आप ऑक्सीडाइज्ड कॉपर के ऊपर कॉपर रॉड रखो तो देखो मैं अरे मैं थोड़ा सा नाम थोड़ा भूल गया था। हाँ, ऑक्सीडाइज्ड कॉपर ही है नाम। ऑक्सीडाइज्ड कॉपर के ऊपर कॉपर रॉड रख के अगर आप उसके ऊपर बिजली गिरते हो फिर आप चैनलिंग वाला ट्राइडेंट मारते हो तो ऑक्सीडाइज्ड कॉपर नॉर्मल कॉपर ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाता है। देख सकते हो अगर ऐसे अभी मैं इसको तोड़ के फिर से लगा देता हूँ। अगर नॉर्मल मैं वेदर को ठंडा कर देता हूँ क्योंकि अगर नॉर्मली भी गिरती है बिजली फिर भी हो जाता है वो ऑक्सीडेट कॉपर ब्लॉक और नॉर्मल कॉपर ब्लॉक में। अब तक तो नहीं गिर रही, अब तक तो गिर जाना चाहिए थी। अरे गिर भी जा, अरे गिरना पता नहीं लगता इसकी इच्छा नहीं हो रही गिरने की। अरे गिर जाना। तो आज का फैक्ट बस यही था कि अगर आप ऑक्सीडेट कॉपर ब्लॉक के ऊपर बिजली गिरती है कॉपर रॉड के ऊपर और उसके नीचे ऑक्सीडेट कॉपर ब्लॉक है तो नॉर्मल कॉपर ब्लॉक में कन्वर्ट होता है। देखा आपने अभी अभी बिजली गिरी और ये नॉर्मल कॉपर ब्लॉक में कन्वर्ट हो गया। अगर आपको फैक्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।